बैंड स्टैंड पे एंट्री करते ही मैं आपको पहला घर दिखाता हूँ, वो है 5 मिनट की दूरी पर। तो ये तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सतीश सोलंकी, आप हैं मेरे साथ रोड टू ड्रीम्स। आज का ब्लॉग एक्चुअली मैं बना रहा हूँ पूरा यहाँ पे बैंड स्टैंड पे। ओके, बैंड स्टैंड पे आज मैं आपको लेके चलूँगा, बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी, अपने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के घर दिखाऊँगा आपको। तो अभी बैंड्रा बैंड स्टैंड पे एंट्री करते ही मैं आपको पहला घर दिखाता हूँ, वो है सलमान खान का। आप मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं, सलमान खान का घर है ये। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं गैलेक्सी अपार्टमेंट, सलमान खान के घर के पास। आप मेरे पीछे देख सकते हैं गैलेक्सी अपार्टमेंट है, ये है फर्स्ट फ्लोर। आप देख सकते हैं रॉक्सन जहाँ पे लिखा है, रॉक्सन के ऊपर ब्राउन कलर के कर्टन्स है, वहीं पर सलमान खान जी आते हैं। हर त्यौहार हो या फिर कोई भी ईद हो, तब हमेशा अपने फैंस को आते हैं, वेव करते हैं। यहाँ पे उस तरफ यहाँ पे पूरा रोड खचाखच भरा हुआ रहता है, यहाँ पे पूरे आपको फैंस दिखेंगे। और आप ये भी सोच रहे होंगे, अगर मुंबई से बाहर रहते तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि सलमान खान सिर्फ इस बिल्डिंग में क्यों रहते हैं, क्योंकि ही लव्स टू बी इन द जॉइंट फैमिली। तो इसीलिए वो अपनी फैमिली के साथ यहीं पे रहते हैं, उनके फादर ने ये घर खरीदा है इसीलिए वो यहीं पे रहते हैं। तो ये शाहरुख खान का घर मन्नत, जो है सलमान खान के घर से 5 मिनट की दूरी पर। ओके, हम अभी आए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं बहुत सारे फैंस आते हैं यहाँ पे। ये मन्नत है, यहाँ पे जो जाली आपको दिख रही है, शाहरुख खान हमेशा यहाँ पे आते हैं, वेव करते हैं। पहले तो वो अकेले आते थे, अब आते हैं अब्राहम के साथ। ओके, और ये आप बिल्डिंग देख सकते हैं, थर्ड फ्लोर पर उनका पर्सनल ऑफिस है। ओके, फोर्थ फ्लोर पर आर्यन रहते हैं, और फिफ्थ एंड सिक्स फ्लोर पर शाहरुख और गौरी जी वो रहते हैं। पूरा घर देखिए, लाविश वाइट मार्बल से स्टार्टिंग है, बहुत बढ़िया घर है। देखिए मंदिर, बहुत सारे फैंस आपको दिखेंगे। अब देखिए, ओके मैं भी एक फोटो निकालने जाता हूँ। फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं बांद्रा फोर्ट, आप देख सकते हैं फोर्ट बैंड स्टैंड में है, शाहरुख के मन्नत से थोड़ा ही दूर है, 4-5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है। अब देखिए फोर्ट बांद्रा फोर्ट, ये पूरा बांद्रा फोर्ट। बांद्रा फोर्ट तो फ्रेंड्स आप मेरे पीछे देख सकते हैं बांद्रा वर्ली सीलिंग है। ओके, पहले बांद्रा टू वर्ली जाने के लिए 1 से 2 घंटे लगते थे, पूरा ट्रैफिक में जाम। अब आप देख सकते हैं फ्लाईओवर पूरा, मैक्सिमम 10 मिनट में आप वर्ली सी फेस पहुंच सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल जगह है, फोर्ट के एग्जैक्टली पीछे बांद्रा बैंड स्टैंड पे आप देखिए।
सारी मूवीज की शूटिंग हुई थी। आप सुन सकते, आपने देखा होगा जाने तू या जाने ना, उसकी कभी कभी आती थी यहाँ पे शूट हुई थी। और एक सबसे बड़ा सीन है शाहरुख और जूही की मूवी का सीन है, उसमें वो लेटर पार्ट में देखते थे, वो यहाँ पे शूटिंग हुई थी। और बहुत सारी मूवीज की शूटिंग हुई थी। आप देख सकते हो यहाँ पे और अच्छे से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, वहाँ पे फोटोज के लिए भी बना रहे हैं। ओके, फोर्ट देखा होगा आप मेरे पीछे, ताज लैंड एंड भी देख सकते हैं, बोलते हैं मुंबई का कोना आखिरी कोना था। चर्च है ओके बैंड्रा में, यहाँ पे बहुत सारी मूवीज की शूटिंग हुई है। बट एक मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है जो अमर अकबर एंथनी और अमिताभ बच्चन की यहाँ पे शूटिंग हुई थी। ओके, तो ये भी आप देख लीजिए। और प्लस यहाँ पे बहुत बड़ा फेयर लगता है सितंबर में, 1 सितंबर में फेयर लगता है, माउंट मैरी फेयर होता है, बहुत बड़ा मेला लगता है। तो आप कभी आइए तो इस मेले में आइए और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। आप कैंडल्स वगैरह बहुत देख सकते हैं, आप अभी पब्लिक देख सकते हैं इतनी, तो आप सोचिए फेयर में कितनी होगी। तो सीधा माउंट मैरी चर्च। तो फ्रेंड्स, मेरा सैंडविच आ चुका है, सैंडविच के साथ आज का ब्लॉग मैं एंड करता हूँ। बैंड्रा बैंडस्टैंड के सारे एकदम हॉटस्पॉट फेवरेट स्पॉट्स मैंने आपको सारे दिखा दिए। ओके, आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। 2-3